रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा खास कार्यक्रम यमुना प्राधिकरण का स्थापना दिवस 24 अप्रैल को है और इस मौके पर हमने खास बातचीत की है यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर जी से। मैं अरुणवीर जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं आप? आपके श्रोताओं को भी नमस्कार और आपको भी नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। स्थापना दिवस है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई प्राधिकरण की। जी जी, आप जो स्टेक होल्डर हैं, जो लोग हैं जिनका प्राधिकरण है, जो किसान हैं जिनकी जमीन पे बनी हुई है ये अथॉरिटी, उसके एलआरटी जो है उन्हीं को बधाइए क्योंकि उन्हीं का प्राधिकरण है, हम लोग तो खाली केयरटेकर हैं। जी जी जी, मेरा पहला सवाल ये है कि सर, यमुना प्राधिकरण ने पिछले कुछ सालों में बहुत आगे प्रोग्रेस की है, तो हम जो देख रहे हैं वो स्वरूप में यमुना प्राधिकरण का जो स्वरूप है, अभी 2041 का मास्टर प्लान भी आप साथ फाइनल करने जा रहे हैं, तो कैसा होगा यमुना विकास प्राधिकरण, क्योंकि अब 2000 से लेकर और 2022 तक का सफर तय किया है अभी। जी देखिए, अब इधर जो है यमुना प्राधिकरण का ज्यादा फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे हुआ है जी, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए गए हैं। अभी हमारे यहाँ एपरल पार्क बनाया गया है, ट्वार पार्क बनाया गया है, एमएसएमई पार्क बनाया गया है, हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया गया है जी, और अब भारत सरकार ने एक मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना मंजूर की है जी, जो कि देश में 4 राज्यों को मिली है, में उत्तर प्रदेश में यमुना प्राधिकरण में मेडिकल डिवाइस पार्क बनने जा रहा है जी। तो जो कोरोना के दौरान जैसा कि महसूस किया गया देश में कि मेडिकल डिवाइसेस बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं और बड़ी मशीनें जैसे सीटी की मशीन है और एमआरआई की मशीन है, वेंटिलेटर हैं, सब बाहर से आ रहे हैं, कुछ बन रहे हैं बहुत थोड़ी संख्या में बन रहे हैं जी। तो इसलिए बड़ी ऐसे बड़े मेडिकल डिवाइसेस को भारत में ही उत्पादन करने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना लाई जा रही है जी। इसके अलावा एक डाटा पार्क की भी बनाया जा रहा है, इसके अलावा 5 नए पार्क और क्लस्टर्स बनाए जाने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव ले जा रहे हैं, जिसमें एक हैंडलूम पार्क, एक लेदर पार्क, एक इलेक्ट्रिकल मोटर व्हीकल पार्क, एक ट्रांसपोर्ट पार्क जी, इस तरह के बहुत सारी, एक ट्रांसपोर्ट का अलग से पार्क जी, बहुत सारी पार्क बनाए जा रहे हैं। इसके पीछे फोकस यही है कि जब एक इंडस्ट्री क्लस्टर में रहेगी, एक तो उसका समेकित विकास होगा, उसके इम्प्लॉयज और उसके जो लोग काम करने वाले एक जगह पे रह सकेंगे, उनकी डॉर्मेट्री, उनके रहने का स्थान एक जगह होगा और साथ ही साथ उनका जो काम करने का जो स्किल अपग्रेडेशन है वो अलग अलग क्लस्टर में अलग अलग ढंग से हो पाएगा। साथ ही साथ हर क्लस्टर का एक कॉमन फैकल्टी सेंटर होगा, तो वहाँ पर ट्रेनिंग, R&D, स्किल अपग्रेडेशन सब एक साथ हो सकेगा जी। तो ये और इंडस्ट्री से ही रोजगार होता है, पहली शर्त इंडस्ट्री है, क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज है। तो हमने पहली बार ये क्लस्टर का कंसेप्ट यहाँ पर शुरू कराया है और उत्तर प्रदेश शासन की जैसी मंशा थी उसकी मंशा के अनुरूप, शासन की मंशा के अनुरूप यहाँ पर अब 10 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन जाएंगे, इससे बहुत सारा विकास होगा। साथ ही साथ 2041 के मास्टर प्लान में बहुत सारी नई चीजें ला रहे हैं, जैसे एक नया ओलंपिक गांव बना रहे हैं, एक ओलंपिक पार्क बना रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य है कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम होने के बाद बहुत दिनों से किसी प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं हुई, इतनी जगह भी नहीं कहीं है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम जिसमें एथलेटिक्स भी हो, स्विमिंग भी हो, बैडमिंटन भी हो, टेनिस भी हो और साथ ही साथ में पिस्टल भी हो, शूटिंग भी हो, सारी प्रतिस्पर्धाएं जो कि ओलंपिक या उसके अनुरूप जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में होती है कि स्टेडियम यहाँ पर तैयार हो सके, और साथ ही साथ खिलाड़ियों को रहने के लिए 4,500 खिलाड़ियों को रहने के लिए एक अलग से ओलंपिक हाउसिंग भी बनाई जा रही है ओलंपिक पार्क पे है साथ साथ। तो ये ओलंपिक गांव जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, तो वो भी डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा जो सर्विस सेंटर है, जो बहुत दिनों से इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसके लिए कभी कोई व्यवस्था किसी राजकोण में नहीं हो पाई किसी कारणवश, जैसे जो घरेलू जो काम करते हैं, रोजमर्रा के काम जो करते हैं, रेहड़ी वाले, ठेला लगाने वाले, आपके कपड़े सिलाई करने वाले, रजाई गद्दा भरने वाले, छोटे छोटे काम जो है, उन सब के लिए पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इनफॉर्मल कॉरिडोर बनाया जा रहा है 7.5 हेक्टेयर का, और आने वाले जितने सेक्टर्स होंगे सभी सेक्टर्स में अलग से जो है ये इनफॉर्मल सेक्टर उसके लिए अलग से स्थान रहेगा हर सेक्टर में डेडिकेटेड, जिससे कि सेक्टर वासियों को भी सुविधा रहे और साथ ही साथ जो लोग योगोपार्जन पर माइग्रेशन करके आए हैं या स्थानीय लोग हैं उनको
और रोजगार के अवसर मिल सके, तो एक ये बहुत बड़ा एडिशनल हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि अब एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर आ रहा है जिसका काम भी शुरू हो गया है, तो इसके कार्गो के साइड में 3 लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग के बहुत बड़े बड़े सेक्टर ला रहे हैं, क्योंकि वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी का यहाँ पर केंद्र बनने जा रहा है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये दो ही जिले लगभग 60% एयर कार्गो आईजीआई का कैटर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एयर कार्गो में जैसे खिलौने या मोबाइल फोन या चिप्स या कपड़े जो है परिधान यही जाते हैं एयर कार्गो में, और ये सबसे ज्यादा इनका केंद्र नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में है। और चूंकि ये दोनों जिले इसी गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा है और इस एनसीआर का हिस्सा है, तो इस नाते जो एयर कार्गो है उसका 60% हिस्सा पहले दिन से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जियोर को प्राप्त होगा, तो कार्गो का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। तो साथ ही साथ लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग की भी यहाँ बहुत अपार संभावनाएं हैं। साथ ही साथ यहाँ डेयरी का बहुत बड़ा एक सेंटर, यहाँ लड़ी डेयरी का बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है और सब्जियों का, फसलों का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो उसको भी देखते हुए यहाँ पर वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक तथा उससे जुड़ी हुई चीजें जो कि सीधे एयरपोर्ट से जिनका ट्रांसपोर्टेशन हो सके उसको करने के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार से एक कोल्ड चेन भी बनाई जाए और वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सेंटर भी बनाया जाए। तो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक के साथ एक कोल्ड चेन भी बनाने का भी अगले मास्टर प्लान में 2027 के मास्टर प्लान में प्रस्ताव किया गया है। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो हमारी इकोनॉमी को फर्दर बूस्ट करेगी। ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी से काफी बूस्ट मिला है, और इसमें अब वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, एयरपोर्ट के लिए जो एमआरओ और कोल्ड चेन, ये इसमें और एड ऑन होगा, और इससे काफी जो है यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और कई गुना वृद्धि होगी लोगों के आमदनी में। जी जी सर, एक फिल्म सिटी का जो प्रस्ताव है वो अब कहाँ तक बढ़ा है और उसमें अभी क्या, कब तक इसका शुरुआत विधिवत होने वाली है? जी देखिए, फिल्म सिटी हम लोग सेक्टर 21 में प्रस्तावित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि एक उत्तर भारत में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी बनाई जाए। किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है किसी अन्य प्रदेश से, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए और इस क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए और समीपवर्ती राज्यों के लिए जो लोग हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं या कलाकार हैं, चाहे उसके लिए टेक्नीशियन हैं, चाहे कैमरामैन हैं, चाहे साउंड एडिट करते हैं, चाहे प्रोड्यूसिंग में लगे हुए हैं, सभी को लोगों के लिए एक और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाने का प्रयास था। तो ये सेक्टर 21 एक्सप्रेस वे पर स्थित उसमें 1,000 एकड़ जमीन में एक फिल्म सिटी बनाए जाना प्रस्तावित की गई है, जिसकी डीपीआर भी अप्रूव हो गई और कैबिनेट डिसीजन भी हो गया। उसमें 150 एकड़ में तो केवल एम्यूजमेंट पार्क बनाया जा रहा है जो कि लॉस एंजल्स के अमेजन पार्क से बड़ा होगा। साथ ही साथ स्टूडियोज, ओपन एरिया, बैकलॉट एरिया, फिल्मिंग इंस्टीट्यूट, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आजकल बहुत चल रहे हैं उनके लिए, साउंड मिक्सिंग के लिए, बेसिक आइडिया ये है कि आदमी स्क्रिप्ट लेके आए और फिल्म की मूवी लेकर के बाहर निकले और एक ही जगह सारी सुविधाएं हों। इसमें हम लोगों ने ग्लोबल बिडिंग जारी की है और नवंबर में ग्लोबल बिडिंग जारी हुई थी 6 महीने के लिए, और ये 30 अप्रैल को इसकी बिड होगी। इसमें 19 लोग को जो है प्री बिड में आए थे, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने प्री बिड में भाग लिया और अपनी अपनी क्वेरीज दी, जिनका हम लोगों ने जवाब दिया। अब 30 अप्रैल को इसकी बिड पड़ेगी, तब पता चलेगा कि कौन कंसेप्टनर यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ बहुत फिल्म सिटी को लेकर काफी उत्साह है लोगों में और अपार संभावनाएं हैं, और उसके आने से एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई चीज पूरे क्षेत्र के लिए उपलब्ध हो पाएगी। एक सर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यमुना के किनारे सामने ब्रज है और उस ब्रज को इंटरनेशनल टूरिज्म सर्किट से जोड़ने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट भी है और सामने ब्रज है, उसको किस तरीके से प्लान किया जा रहा है? देखिए, ब्रज विकास परिषद वहाँ पर ऑलरेडी कार्य कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि यमुना प्राधिकरण भी यहाँ पर एक कोई हेरिटेज कॉरिडोर बनाए, तो हम लोगों ने उसका एक प्रस्तुतिकरण किया था और उसकी डीपीआर हम बनवा रहे हैं सीबीआरई साउथ एशिया से। उसमें हम एक जो यमुना एक्सप्रेस वे से उससे सीधे बांके बिहारी मंदिर को और द्वारकाधीश मंदिर को 75-75 मीटर के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे से जोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ कुछ कॉमर्शियल, कुछ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, और एक पूरा का पूरा एक एरिया बना रहे हैं, जिस एरिया में जो है जो वहाँ की जो पुराने जो
जो ब्रज के गांव थे, जैसे चाहे बरसाना हो, चाहे नंदगांव हो, चाहे गोकुल हो, सबको रिलीव करने की बात है कि उसको फिर से जीवित किया जाए, जीवंत किया जाए। साथ ही साथ मथुरा आर्ट के म्यूजियम्स और कृष्ण के भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई जितनी भी धरोहर है सबको एक जगह समेकित करते हुए एक पूरा डेवलपमेंट किया जाए, एक टूरिस्ट कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें कि जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोग आए पर्यटन की दृष्टि से वो वहाँ पर पैदल भी उसको देख सकें और साथ ही साथ वेहिकुलर मूवमेंट से भी देख सकें। साथ ही साथ बांध और सरोवर के डेवलप करने की है, रिवर फ्रंट को भी डेवलप करने की योजना उसी स्कीम में है कि रिवर फ्रंट जो है यमुना के किनारे रिवर फ्रंट डेवलप किया जाए और साथ ही लोगों के रहने के लिए रुकने की व्यवस्था की जाए क्योंकि अभी लोगों के रहने की और रुकने की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। और साथ ही साथ कथा वाचनालय बनाए जाने का प्रस्ताव है कि हर जगह कम से कम 15 से 20 केंद्र बनाए जाए जहाँ पर हमेशा 24 घंटे भगवत कथा होती रहे और गीता की बातें होती रहे, के संबंध में व्याख्यान चलते रहे। तो ये पूरा कंसेप्ट तैयार हो गया है और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रहा है क्योंकि पहले जो रोड जा रही थी अब उस रोड का अलाइनमेंट चेंज किया गया है तो मास्टर प्लान में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन अगले 2 महीने के अंदर 30 जून तक ये फाइनली धरातल पे आ जाएगा और इसके लिए लैंड एक्विजिशन इत्यादि का काम शुरू हो जाएगा। अब सर एक बड़ा अहम सवाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपने सबसे पहले ये जो इसको लिंक करने का जो एयरपोर्ट भी लिंक करना है, यमुना अथॉरिटी का जो एरिया जो जो रेजिडेंशियल एरिया विकसित कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया विकसित कर रहे हैं, उनके आने जाने के लिए कुछ सड़कें बना रहे हैं, उसके साथ साथ जो सीवर का पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मूल जरूरत पड़ती है शहर की उसको किस तरीके से प्लान कर रहे हैं सर? देखिए एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी तो चारों तरफ से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जरूरी थी, तो वेस्ट साइड में ऑलरेडी यमुना एक्सप्रेसवे है वहाँ से 750 मीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है तो 750 मीटर को जोड़ने के लिए 4 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं एक्सप्रेसवे पे और NHAI को काम दिया गया है इंटरचेंज बनाने का और 750 मीटर एयरपोर्ट के गेट तक जो है नई रोड बनाने का, 100 मीटर रोड बनेगी वाइड और सीधे सीधे वहाँ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ईस्ट साइड में 130 मीटर रोड, नॉर्थ साइड में 100 मीटर रोड और जो है वो साउथ साइड में भी 75 मीटर से 100 मीटर रोड बनाई जा रही है जो कि एयरपोर्ट के चारों तरफ रोड रहेंगी 75 से लेकर 100 मीटर 130 मीटर तक। एक तो ये योजना है। दूसरी उत्तर प्रदेश शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि बल्लभगढ़ से जीवर एयरपोर्ट को जोड़ा जाए और एक नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है 30 किलोमीटर लंबा। अच्छा। जिसमें 23 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा का है और 8 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। इसका सारा पैसा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने रिलीज कर दिया, NHAI ने लैंड एक्विजिशन भी कर लिया, इसके नोटिफिकेशन भी हो गए और इसमें काम शुरू हो जाएगा और ये 1 साल से 1.5 साल 18 महीने में एक्सप्रेस वे जो है वो काफी धरातल पे आ जाएगा और एयरपोर्ट शुरू होने के पहले सीधे बल्लभगढ़ से सीधे जो है यमुना एक्सप्रेस वे और होता हुआ ये सीधे जेवर एयरपोर्ट को जुड़ जाएगा। इसके अलावा पलवल खुर्जा एक्सप्रेस वे को जो कि पहले से कंसीव्ड है को बनाए जाने के लिए कार्रवाई चल रही है, DPR बनाई जा रही है। साथ ही साथ एक बुलेट ट्रेन जो सराय काले खां से बनारस जा रही है उसका फेज 1 सराय काले खां से आगरा तक है उसका भी सहमति हो गई है, उसके DPR में इंक्लूड कर दिया गया है कि उसका स्टेशन जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर होगा और केवल 21 मिनट में सराय काले खां यानी दिल्ली से आप जीवर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। अच्छा। वो कनेक्टिविटी भी एक हो गई है और पहले फेज में जब आगरा तक बनेगा तो सबसे पहले जीवर हवाई अड्डे में इसका स्टेशन होगा जो बुलेट ट्रेन का जिसकी रफ्तार 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, वो केवल 21 मिनट में आप जीवर पहुंच जाएंगे। जी जी। इसके अलावा एक फास्ट मेट्रो के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, पहले मेट्रो का जो प्रस्ताव किया गया था वो सब छोटे छोटे 1.5 से 2 किलोमीटर पर स्टैब्लिश किए गए थे, लेकिन ये महसूस किया गया कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है IGI से और बहुत फास्ट स्पीड का मेट्रो बनाया जाना चाहिए। इसके लिए DMRC को सौंपा गया काम कि जेवर को सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ दिया जाए क्योंकि नई दिल्ली से ऑलरेडी IGI के लिए एयरपोर्ट मेट्रो चलती है, तो उस दिशा में उनकी ट्रैफिक स्टडी सबमिट हो गई है और 31 मई को इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा और 6 स्टेशन की बात हो रही है कि कम से 6 स्टेशन और अधिकतम 8 स्टेशन केवल यहाँ से लेके IGI तक इसका एक अलग ट्रैक बनाया जाए, अलग डेवलप किया जाए जिससे कि जो
यात्रियों का ट्रांसफर जो एयरपोर्ट के लिए आ रहे हैं या आईजीआई से उनको पकड़नी है फ्लाइट और गियर में उतर रहे हैं तो वो वहाँ पर तुरंत जा सके, उसकी फ्रीक्वेंसी भी हर 5 से 6 मिनट पर ट्रेन की हो, उसके काफी काम चल रहा है। स्टडी डीएमआरसी की लगभग कंप्लीट है, ट्रैफिक स्टडी हो गई है और फिजिबिलिटी स्टडी आ जाएगी। ये एलिवेटेड रहेगा यहाँ तक यमुना बैंक तक जो है, उसके बाद जो है अंडरग्राउंड बनेगा नई दिल्ली तक। अच्छा अच्छा, इससे भी बहुत बड़ा काम चल रहा है, काफी इस पे एडवांस स्टेज पे है ये। अब सर आखिरी सवाल है किसानों का, क्योंकि किसानों ने जमीन देनी है और दी भी है, तो उनके पुनर्वास की जो आपने एक यूनिक व्यवस्था शुरू की कि गांवों को शिफ्ट करके एक अलग सेक्टर अलग एरिया बसाया गया, वो किस तरह का है और आने वाले दिनों में भी क्योंकि किसानों की जमीन ली जाएगी तो वो किस तरह का आइडिया रहेगा आने वाले दिनों में, रोजगार भी साथ में? किसानों से जो जमीन ली गई थी उसके बदले उनको लैंड एक्ट में प्रोविजन था कि केवल बना के 50 मीटर का मकान दिया जाए, लेकिन यहाँ पर एक नया प्रयोग किया गया कि जो लोग जितने एरिया में रहते हैं, जब हम एरिया की बात करते हैं जिसको घेर कहते हैं स्थानीय में, जिसमें उनके जानवर भी रहते हैं, उनका पशुओं का आहार भी रहता है, पशु भी रहते हैं, तो वो जितने एरिया में रहते हैं उतना पूरा एरिया उसके बराबर ही उनको दिया जाए, बजाय 50 गज के मकान के और मल्टी स्टोर मकान के, तो वो उससे काफी मदद मिली और जो कमिश्नर है रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट के, उन्होंने उस योजना को अप्रूव किया, जो कमिश्नर मेरठ है और जिलाधिकारी मेरठ के रिकमेंडेशन पे उसको अप्रूव किया। तो हम लोगों ने इसमें जितने गांव आए थे सबको अलग अलग सेक्टर में बसाया है, सेक्टर जैसे उसमें सारी सुविधाएं दे रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन का काम, और आपको ये जान के खुशी होगी कि लगभग 60% लोग जो शिफ्ट किए वो आकर के यहीं पर बसे, बजाय इसके कि कहीं और जाके लेते, लोगों का ये था कि लोग बेच देंगे और निकलेंगे नहीं, लेकिन सुविधाओं को देख करके और एरिया की लोकलिटी देख करके, क्योंकि टाउन एरिया में ये डेवलप ऑलरेडी टाउन एरिया का हिस्सा है जो ये R&R का काम हुआ है, तो उसको देखते हुए लोगों ने, सभी ने 60% लोगों ने मकान बनाए हैं। अभी काफी मलबा उलबा वहाँ पर है तो सीवर उवर टूट जाता है, बीच बीच में छोटी मोटी कठिनाइयां भी आ रही हैं, लेकिन एक बार जब सब चीजें सेटल हो जाएंगी तो यहाँ STP भी होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था है, स्कूल भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है, धार्मिक स्थान भी है और पार्क भी है, खेल का मैदान भी है, सारी सुविधाएं जो मॉडर्न सेक्टर को होनी चाहिए वो है। बिजली का यहाँ काफी इशू हो गया था क्योंकि बिजली विभाग नहीं मान रहा था कि बिजली जो है वो नए कनेक्शन माने जाएंगे, जबकि रिसेटलमेंट में किसानों का कोई दोस्त नहीं था, तो गवर्नमेंट स्तर पे बात करके ये समस्या भी हल करा दी गई कि वो नया कनेक्शन नहीं माना जाएगा, पुराने कनेक्शन की सेफ्टी मानी जाएगी। तो चीजें सेटल हो रही है, लगभग 60-70% चीजें सेटल है, बाकी 20-30% चीजें जो है अभी काम चल रहा है तो चीजें बिखरी रहती है, काफी सामान पड़ा रहता है, तो वो सब एक बार सेटल हो जाएगा तो किसी भी सेक्टर से कम नहीं है, यहाँ का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा है। और आने वाले समय में अगर कोई पुनर्वास जो भी होगा सेकंड फेज में थर्ड फेज में, वो और इससे बेहतर होगा और उसमें मॉडर्न चीजें होंगी, ऑप्टिकल फाइबर्स भी होंगे और जो वायर इलेक्ट्रिकल जो होगा वो भी अंडरग्राउंड होगी केवल, तो जितना मॉडर्न चीजें हम सेक्टर के लिए कर सकते हैं उससे ज्यादा किसानों के लिए करेंगे। तो अगर किसान को खाली भाषण में हम लोग कहते हैं या चैनल में कहते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं, उनका उनका बहुत ज्यादा उनके लिए हुआ नहीं, इसलिए उसको चरितार्थ करके और मौके पे करने की जरूरत है। और पूरा 100% ये है कि हम लोग पूरी तरह से जो है किसानों को सेक्टर से बेहतर सुविधा दे सकें और उनके जीवन स्तर में किसी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए, वो बिल्कुल उसी स्तर का हो जैसे सेक्टर के लोग करते हैं। तो काफी कोशिश कर रहे हैं और जो लगातार उसमें जो कमियां होंगी इसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे, तो हम लोग इस पे काफी काम कर रहे हैं। सर एक चलते चलते एक लास्ट सवाल है कि जो पुराने आवंटी हैं वो अपनी जो जहाँ जहाँ आपने पुराने आवासीय सेक्टर विकसित किए थे वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी समस्या है, तो उनको हल करने के लिए भी आपकी तरफ से कोई टीम गठित की गई है, किस तरीके से करें? जी देखिए समस्या नहीं है, 14,000 लोगों का ऑलरेडी प्लाट डेवलप हो गया था, मार्क भी हो गया था, लेकिन 64% का एक लैंड एक्विजिशन का एक इशू था जो कि हाईकोर्ट में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो LRD है वो लोग भी और बिल्डर भी दोनों मिलकर चले गए कि 64% किसानों को नहीं देंगे, और हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया OGU, और OGU क्वेश्चन कर दिया है तो किसानों को 64% बटना बंद हो गया, जितना बटा था बाकी रुक गया करीब 3% लोगों को, उसकी वजह से किसान जगह जगह बीच में काम नहीं करने दे रहे हैं। और जो LRT है LRT ही एसोसिएशन बना के गए थे और ससवा करके जो उनका एसोसिएशन है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अब इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि हम किसान को 64 देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई भी पूरी हो गई है, स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट दे दिया कि हम 64 देना चाहते हैं, आप चाहे कोई दे चाहे ना दे, लेकिन हम किसानों को 64 जरूर देंगे। जी जी। तो इस आधार पे हम लोग कर रहे हैं और 26 तारीख को इसकी अगली बहस है। जी जी। तो उम्मीद है कि एक महीने के अंदर, एक से डेढ़ महीने के अंदर ये हल हो जाएगा, उसके बाद मौके पे सबको मिल जाएगा। जी जी। और मिलने में विलम्ब इसीलिए हुआ क्योंकि रीजन वेलफेयर एसोसिएशन भी गया, अगर ये ना गए होते तो अब तक 100% जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम को समय दिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी कि आने वाले दिनों में कैसा यमुना अथॉरिटी का एरिया होगा, कैसे विकसित होगा। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपके जो श्रोता हूँ सभी को बहुत ही प्रणाम और बहुत ही नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार 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 नमस्कार।